नमस्कार, आप देख रहे हैं आईजन 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। लगातार आपको दिखा रहे हैं मेरठ के हर पेट्रोल पंप पे जाके कि वहां पर किस तरह से जो डीलर्स कस्टमर्स को मूलभूत सुविधाएं देते हैं वो किस तरह से दी जा रही है। और अभी हाल ही में डीएम सर ने जो हमारे ऑर्डर किया है, आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के कहीं भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई भी तेल नहीं देगा, तो वो किस तरह से उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर लागू कर रखा है, अप्लाई कर रहे हैं वो उस आदेश को। ये इसी कुछ कड़ी के चलते हुए हम पहुँचे हैं आज प्योर फ्यूल पे पॉइंट पे। ये यहाँ पर रुड़की रोड पे है, PSC में पेट्रोल पंप है और इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है। और हमारे साथ हैं मोहित कुमार जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो कस्टमर्स को मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके अलावा जो डीएम सर का आदेश जारी हुआ है उसको कैसे इम्प्लीमेंट वो अपने पेट्रोल पंप पर कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मेरा सवाल है, कहिए कि शिकायत आई ताले बंद होते हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ 24 आवर सर्विस है। तो जब भी आए टॉयलेट आपको खुला मिलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने स्वीपर अलग रखा हुआ है इसका, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और एयर की फैसिलिटी भी है और वाटर कूलर भी है, वाटर के लिए फ़ोन की भी है फैसिलिटी और फर्स्ट एड बॉक्स भी है। और वाटर कूलर में RO लगा रखा है हमने, हाँ हाँ, यूरेका फॉक्स का, हाँ कोल्ड, बिल्कुल वाटर कूलर तो कोल्ड वाटर है ही सब। हाँ हाँ लग रहा है, ऑलरेडी लग रहा है। लेडीज अलग जेंट्स अलग, दोनों टॉयलेट बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगह शिकायत ये मिलती है कि हवा को बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। एक्चुअली हमने सेपरेट रखा हुआ है बिल्कुल, हवा पे एक आदमी अलग ही रहता है बिल्कुल जो है। हाँ तो हवा के लिए भी यहाँ पर बंदा अवेलेबल है। हाँ बंदा अवेलेबल है हवा पे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो आप 5 लीटर का मेजर भी है हमारे पास, वो भी है और फिल्टर पेपर सब है। जो कस्टमर अगर कहता है जांच के लिए तो हम उसको फ़ौरन करा देते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वो ले सकता है। हाँ अगर उसको चाहिए कि मुझे तो 5 ही लीटर मुझे पहले दिखा के, तो ले सकता है, कोई उसकी मर्जी है वो, कुछ नहीं। ना कोई मना नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो कैश में चाहे लेना चाहे, सब जो चाहे वो ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। हाँ हाँ वो चाहे तो ले सकता है बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आदेश जारी किया। हाँ हाँ कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेलमेट पहन के आइए कि ऑर्डर है, अगर हाँ जागरूक भी हो और कोशिश ये करें कि ना दिया जाए, कस्टमर को लौटाया जाए। अगर कुछ ज़्यादा अर्जेंसी में है तो दे देते हैं, नहीं तो वापस भेज देते हैं कि बिना हेलमेट के हम दे देंगे। हाँ फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली, क्योंकि अभी कस्टमर भी नया है, उसको इतना नॉलेज नहीं है ना। बढ़ जाएगी धीरे धीरे, जब जो उसको नहीं मिलेगा तो वो चेंजेस आ ही जाएंगे। 15 डेज में इसमें डिफरेंस दिखने लगेगा। हाँ तो यहाँ पर आपने देखा मोहित कुमार जी ने साफ कर दिया है, उनका बयान आ चुका है, उनका साफ कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो यहाँ पर प्रॉपरली कस्टमर्स को क्या आम लोगों के आसपास के लोगों को भी उसका मतलब उठा रहे हैं उसको सुविधाओं, क्योंकि आम आसपास के लोग हैं ठंडा पानी लेके जाते हैं, कोई मना नहीं है, कुछ भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, सारी फैसिलिटी मिल रही है कस्टमर्स को। इसके अलावा जो डीएम सर का आदेश है वो यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि पहले उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसमें हमारा और आपका कोई, हमारा और सरकार का कोई फायदा नहीं है, इसमें केवल आपका और आपके परिवार का फायदा है। ये सारी जानकारी देखने के लिए आईजन 7 न्यूज़ में कैमरामैन संजय के साथ और प्रोप्राइटर प्योर फ्यूल पॉइंट, मैं आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है।